हम नीचे ऊपर ऊपर नीचे होते हुए अपना मार्ग तलाश रहे हैं। यहाँ से मैया मुड़ रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पूछना पड़ेगा। नर्मदे हर मैया किधर से है मार्ग? परिक्रमा मार्ग किधर से रहेगा महाराज? परिक्रमा मार्ग कहाँ से रहेगा? हाँ, तो महाराज ने हमें बोला कि आप नीचे चले जाइए और नीचे से ही अपना मार्ग मैया के साथ साथ बनाए रखिए। तो हमें वहाँ से पगडंडी पकड़नी पड़ेगी। दक्षिण तट का ये आश्रम और साथ में ये पहाड़ देख लीजिए। यहाँ से मैया गोल घूम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ से मैया फिर गोल घूम के नीचे की तरफ बिल्कुल यू टर्न लेके आएंगी। मैं आपको साथ में गूगल मैप में भी दिखाऊंगा। देखिए जबलपुर से काफ़ी लोग सीधा निकल जाते हैं अमरकंटक, उसके बाद जो बचे कुछ प्रतिशत हैं वो मंडला तक आते हैं, लेकिन मंडला से भी उनका मार्ग बदल जाता है। और अभी तक हम बहुत ही इसमें अपने आप को लक्की मानेंगे कि किस्मत वाले हैं कि बिल्कुल मैया के साथ साथ चल रहे हैं, और हर रोज़ हम उस मार्ग पे हैं जिस मार्ग पे कोई परिक्रमा वासी हमें देखने को नहीं मिल रहा, और जिस मार्ग से लगभग ना के बराबर परिक्रमा वासी गुजरते हैं। तो चलिए आपको फिर से मैया का ये दृश्य दिखाता हूँ। और यहाँ की चट्टाने मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने किसी और चैनल पे ये वाला परिक्रमा मार्ग देखा होगा। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ वहीं परिक्रमा में, आनंद में। नर्मदे हर। ये देखिए पूरी चट्टानों से भरा हुआ स्थान, और हम गोल घूम के यहाँ से मैया के साथ साथ सामने की तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ये लाल झंडी भी देखने को मिली जो कि मार्ग का निशान दर्शा रहा है। नहीं, ऊपर तो बिल्कुल खेत हैं और यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, हमें फिर से नीचे उतरना रहेगा। हम बिल्कुल उधर से घूमते हुए यहाँ तक आ गए हैं, और अभी भी जो मार्ग है बिल्कुल इन्हीं चट्टानों में है। चलिए यहाँ पे कोई दिखाई तो दिया हमें, उससे पूछते हैं। यहाँ से सीधा सीधा चले जाए ना वहाँ तक? वहाँ से अंदर ऊपर से शॉर्टकट गांव में से? हाँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से परिक्रमा मार्ग में बने रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक कांटे भी रहेंगे और इस तरह की चट्टाने भी, लेकिन हमें अपनी गति को बढ़ाना होगा क्योंकि आज हमारे पास में सिर्फ अभी 3 घंटे ही हैं, उसमें हमें अधिकतम दूरी तय करनी है। यहाँ से अब नीचे उतर के हमें थोड़ा सा बिल्कुल मैया के साथ साथ इस तरह के मार्ग से चलना रहेगा, और थोड़ा सावधानी से क्योंकि हम बिल्कुल अब एकदम ठंडे स्थान पे हैं। और इस तरह से यहाँ पे आपको सांप अजगर के बिल भी देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है सामने कुछ ऐसा नज़र भी आ जाए। देखिए मैं आपसे बात कर रहा था सांप बिच्छू की, और हमें यहाँ केकड़े मिल गए हैं। केकड़ों को तलाशा जा रहा है। महाराज दिखाना केकड़ा हाथ में पकड़ा है, वो इधर पास लाके दिखाओ ना जरा। ये देखिए जिंदा केकड़ा, काटता नहीं है महाराज? हैं, कट के रखना ऐसे ही। इसका मुंह किधर है? अंदर चला गया। ये नाक के सामने, ये आंखें इसकी। ये देखिए बिल्कुल जिंदा केकड़ा। आपको इसको घुमाना महाराज, इधर से दिखाओ, उधर से घुमाओ ऐसा। हाँ वाह महाराज, मैं पकड़ सकता हूँ इसको? है? मैं पकड़ सकता हूँ इसको? काटी गया था आपको? काट लेगा मुझे। हाँ। को जिंदा केकड़ा देखने के बाद हम फिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए ऐसे पकड़ के मैंने खाने की एक्टिंग की, फोटो खींची साथ में। देखिए आप जरा, फिर से मार्ग तलाशना रहेगा कौन सी तरफ से जाएं, ऊपर से नीचे से, और खतरा तो आपने देख ही लिया है। लेकिन हम बिल्कुल मैया के साथ हैं।
कि फिर से यहाँ से घूमना पड़ेगा। मुझे यहाँ से थोड़ा और संभल के चलना पड़ेगा और थोड़ा तेज गति से निकलना रहेगा। तो आपको सिर्फ दूर से मैं मार्ग दिखा देता हूँ, वहाँ से मैं यहाँ घूम रही हैं कि सामने खेती हो रही है और यहाँ पे ढोल आराम करते हुए, और हमें यहीं से आगे बढ़ना है। कि हम बिल्कुल सामने से आए हैं और यहाँ पे आके मैया ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया और यहाँ से मैया अब वापस नीचे की तरफ बह रही हैं, और अब यहीं से हमें अपने मार्ग में कुछ परिवर्तन करना रहेगा। तो चलिए पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे अपना मार्ग तलाशते हैं थोड़ा गूगल की मदद से और थोड़ा यहाँ के ग्रामवासियों की मदद से। मत यार मैया, ये फड़की जाने के लिए कहाँ से जाएंगे हमारे? हाँ फड़की चिंदगांव फड़की। हाँ, इसके बाद फिर आ गया तुम्हारे बरंगई। बरंगई इसके बाद आ गया मरसा। अच्छा, इसके बाद आ गया जुबिली। कितना किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से? 5 किलोमीटर पूरा। ठीक है, 3:37 और नीचे से हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं। हमने पानी पी लिया, अपने आप को रिफिल कर लिया, रिचार्ज कर लिया, सांसें ले ली हैं और अभी तक हम 11 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके आए हैं। यहाँ से अब हमें आज का हमारा वही नया मार्ग चुनना होगा। चलिए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और मैया के साथ साथ नर्मदे। सबसे पहले हमारा ये खेत को पार करना रहेगा और सामने पहाड़ चढ़ना होगा। सामने जो केसरिया रंग के आपको फूल दिख रहे हैं उसी के पास से 3:43 बहुत तेज गति से ऊपर आ गया हूँ मैं। नीचे देखिए आप जरा फटाफट, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से मैया को देखते हैं और फिर यहाँ से थोड़ी चढ़ाई और रह गई है, इसको भी पूरा करते हैं। ये जो पहाड़ हैं आपको कभी कभी झुका देते हैं, तोड़ देते हैं, आपको बिल्कुल निचोड़ देते हैं, बिल्कुल झंझोड़ देते हैं, आपको बिल्कुल झुका देते हैं। ताकत इनके आगे बिल्कुल मामूली से पत्थर की तरह होती है और आप बिल्कुल बेबस होते हैं। लेकिन अगर आप इनके आगे झुक जाएं और इनको सम्मान से देखें तो ये आपको कुदरत की वो खूबसूरत चीज़ दिखाती हैं और वो खूबसूरत एहसास कराती हैं जिसको कभी आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, उन्हें महसूस करा होगा। ऊंचाई से जब आप इस ठंडी पवन का आनंद ले रहे होते हैं और साथ में इस तरह का ये दृश्य देखते हैं, बेहद ही खूबसूरत ऊंचाइयों से देखते हुए इस तरह से विश्वास नहीं होता। तो कभी माउंट एवरेस्ट के कोई वीडियो उठा के देखिएगा, ज़िंदगी में हो सका तो माउंट एवरेस्ट पे भी जाएंगे नर्मदे हर। तो कल जैसा मार्ग आज फिर से, लेकिन आज हमें यहाँ पे पगडंडी भी दिखाई दे रही है और साथ में ये हाई टेंशन लाइन भी जाते हुए जिसके साथ हम कल आए थे। तो ये हाई टेंशन लाइन हमें सही मार्ग भी दिखा रही होगी। देखिए कल की तरह आज भी हमारा मार्ग बिल्कुल वैसा ही है, मैंने गोल आपको घुमा के दिखाया। चलिए धीमी गति से थोड़ा सा, और सामने हमें गांव भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से फिर से हमें नीचे उतरना रहेगा और फिर से चढ़ के ऊपर तक आना रहेगा। देखिए अभी आगे का मार्ग हमें नीचे चढ़ के फिर से ऊपर चढ़ना है, और अभी तक यहाँ पे हमने 600 ml पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अभी हमारे पास में बस पीने के लिए थोड़ा सा पानी बचा है और अभी भी मार्ग जो है दूर है। देखिए देखने में तो आपको लगेगा कि ये गांव बिल्कुल पास आ चुका है, लेकिन इतना पास है नहीं है अभी, आपको वहाँ तक जाने में काफ़ी थकान लगेगी। देखिए नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर एकदम ऊपर। ऐसे सुनसान मार्ग से कैसे निकल पाएंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए चारों तरफ पहाड़ी हैं और कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये सूखा खेत, पानी की आखिरी बूंद। हमारा पानी भी ख़त्म हो गया है। ऊपर आने के बाद भी नीचे से चारों तरफ सिर्फ ये मैदान, खाई, और दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है।
देखिए ऊपर से तो आपको दो तीन मार्ग दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये एक नदी पार करनी रहेगी। बाकी नदी अभी सूखी है, भरमार खबर रही है। 4:03 और हम बिल्कुल यहाँ पे इस गांव पे पहुँच गए हैं। सामने बस ये पत्थर की दीवार को पार करना है। चलो पहले इसे चढ़ा जाए। यहाँ से पीछे का ही मार्ग पूरा देखा जाए कितना दूर से हम आए हैं। एक तरफ होते हुए दीवार के साथ साथ बाहर निकला जाए। चलिए पहले यहाँ से पानी पिया जाए और अपनी बोतलों को रिफिल करा जाए, उसके बाद में आगे का सोचेंगे। पहले यही हर से शुरुआत। नर्मदे हर। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने फिर मैंने यहाँ पे योगा करा सुप्तासन, और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। 4:29 और अभी तक हम 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। यहाँ पर मैं 4:01 या 2 मिनट पे कुछ आया था, और फिर मैंने आते ही अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाया। फटाफट मैंने 10 मिनट के लिए सुप्तासन करा, पैर ऊपर रखे हुए थे, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा बजरंग आसन में बैठ के अपने पैरों को मसाज दी, और फिर बाकी के जो मिनट कुछ बचे उसके अंदर मैंने पानी पिया, बात करी, और फटाफट यहाँ से निकलने की तैयारी। तो हम बिल्कुल अब तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने चेहरे को भी पानी से धो लिया और सर पे भी पानी डाल लिया है। एकदम स्वस्थ और परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। इधर से जाएंगे महाराज, इधर सीधा कहाँ जाने महाराज? जाएंगे हम तो यहाँ से हम फड़की की तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। ये देखिए हीरो जाते हुए यहाँ पे। और यहाँ मैडम सेल्फी लेते हुए। नर्मदे हर। वहाँ सामने से आके इस गांव में से निकलते हैं हम इस सड़क मार्ग पे आ गए हैं। ये कच्चा सड़क शायद आगे जाके पक्का हो जाएगा और फड़की गांव तक हमें लेके जाएगा। छिंगांव से महाराज हैं, और महाराज ने बताया कि सीधे सीधे आप चले जाएंगे फड़की। हाँ। फड़की से फड़की से बर गई पलकी, पलकी से बरछा। हाँ हाँ महाराज, एक गाना सुना दो ना। एक गाना सुना दो, हम उड़ते उड़ते चले जाएं। फड़की बरछा कुछ सुना दो, गाना तो सुना दो। क्या सुना है? अरे जो भी मरने आए हमारे जो भी आए। हाँ चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। शाम के 4:58 और हम अब इस गांव से बाहर निकल रहे हैं फड़की के लिए, जैसा कि अभी अभी हमें महाराज ने बताया। ये देखिए पूरा पहाड़ और खुदा हुआ भी है, साथ में पावर एक्सटेंशन लाइन भी। देखिए क्या खूबसूरत इसको नेकलेस पहनाया गया है, ईयर रिंग्स बोला जाएगा। नेकलेस। नर्मदे हर। देखिए शाम होते होते हमारी प्रसन्नता और आनंद वैसा हो गया जैसे 108वें दिन पे था, जबकि आज हमारा 120वां दिन और 4 महीने पूरे होने को हैं। बस शाम होते होते हमारे आज 4 महीने पूरे हो जाएंगे परिक्रमा करते हुए मैया के साथ साथ पूर्ण रूप से आनंद में, और कल से हमारा 5वां महीना शुरू होगा। नर्मदे हर। अरे डरो मत। देखो बच्चे डर गए थे। क्यों डर गए थे भाई? हैं? देख के डर मैं भूत लग रहा हूँ क्या? भूत लग रहा हूँ मैं। देखो ये भी तो था वहाँ पे, ये नहीं डरा। तुम डरे? नहीं डरे ना, फिर ये क्यों डर गए? डरना नहीं है ऐसे, ठीक है। नर्मदे हर। हंसो जोर से, हंसो। चलते महाराज। नर्मदे हर। जैसे गुजर रहे थे और मार्ग पूछने के लिए देखा, तभी बच्चे दौड़ के डर के अंदर भागे। तो उनको बिल्कुल
समझाना ज़रूरी था। फिर यहाँ पे ट्रैक्टर नज़र आया तो मैंने पहले महाराज पूछा, फिर वापस अंदर गया और महाराज को बुलाया, बच्चों को लेके आओ, फिर से हम उनको मिलेंगे और उनका डर दूर करेंगे और फिर हम अपनी परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ रहे हैं नर्मदे हर। इधर से कौन सा जाते हैं? पास से, यहाँ से। तो ये मार्ग फड़की जाने के लिए, फड़की ये पहाड़ों में से हम होते हुए अब ये फड़की में पहुंच गए हैं। और ये फड़की का वो मार्ग जो वी शेप बना के पीछे से यहाँ पहुंचाता है। बर्गी के लिए इधर से, तो देखिए कितना खूबसूरत मार्ग है बर्गी के लिए। तो देखिए सामने एक नदी आ गई है, को ये नदी को पार करके बरगई में पहुंचना है। सूर्यास्त का वक्त और हम तिथि नदी को पार करते हुए यहाँ से हमें सामने की तरफ आगे बढ़ना है। देखिए ये भी कभी नदी रही थी, इसमें से पत्थरों पे से चलते रहना और गति बनाए रखना शाम को। यहाँ से निकल के फिर से हमें अपनी पगडंडी तलाशनी होगी जिससे कि हमारी गति तेज बन सके। देखो फिर से हमें ये तलाश करके महाराज तक जाएं। यहाँ पे घोड़ा मिल गया हमें, लेकिन हम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, नदी के किनारे किनारे जाने को बोल रहे हैं। यहाँ तो मार्ग ही नज़र नहीं आ रहा है। 5:53 हो गए और अभी तक हम इधर ही फंसे हुए हैं। महाराज ने बताया कि आप नदी को वापस से उधर चले जाइए और फिर नदी के साथ साथ आगे बढ़ जाइए। इस नदी को हमको फिर से पार करना है और इसके साथ साथ वहाँ दूर तक जाना है। थोड़ी दूरी तय करके हम पगडंडी या सड़क मार्ग पर पहुँचेंगे, लेकिन ये थोड़ी दूरी जो है ये थोड़ी सी मेहनत अधिक कराने वाली है। ये शाम का सूर्यास्त का खूबसूरत वक्त। शाम के 6:12 और अभी तक हम 18.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं आज की। सामने एक चढ़ाई है, हालांकि पीछे ये गांव भी भर गई है, लेकिन आगे जो स्थान है रुकने के लिए सरपंच का घर और वहां पे एक मंदिर बता रहे हैं, तो हम लोग वहीं तक पहुंचने की कोशिश में हैं। चलिए थोड़ी मेहनत और करते हैं। ये थोड़ी सी घाट की चढ़ाई, देखिए वहाँ पर बोल रहे थे नदी पार करिए, नदी पार करके तुरंत है, फिर ये घाट पार कर लीजिए, अब ये चढ़ाई पार कर लीजिए। और बस हम इस चढ़ाई को भी पार कर चुके हैं लगभग। और ये देखिए पहाड़ की ऊंचाई से ये पूरा शाम का दृश्य। तो ये हम पहुंच गए हैं बरगई, और सामने जो
मंच आपको दिख रहा है। आज रात्रि में भी हमारा विश्राम यहीं पे होने वाला है। तो शाम के 6:24 और सही 20 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम पहुंच गए हैं बरगई में, इस स्थान पे। यहाँ से देखिए 3 रास्ते हैं और ये हमारा स्थान जहाँ पे हम खुले में आज फिर सोने वाले हैं, और पीछे त्रिशूल हमारी सुरक्षा के लिए, और पास ही में यहाँ पे सरपंच का घर भी, और एक महाराज ने व्यवस्था कर दी, और ये कुआं हमारे लिए पूरा पानी का इंतज़ाम, और ये आम का वृक्ष, काश इसमें आम लग गए होते। तो देखिए माणिकलाल यादव जिससे हम पीछे महाराज से मार्ग पूछ रहे थे, और महाराज ने बोला कि पास ही में यहाँ पे रुकने का स्थान, आप रुकिए और भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। आपका बड़ा प्रेम है महाराज, बहुत प्रेम आपका। नर्मदे हर, बस महाराज बस, नर्मदे हर। देखिए यहाँ पर लाइट गई हुई है और यहाँ पे महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं। नर्मदे हर महाराज। और महाराज से बात हुई तो महाराज ने अपने साथ फोटो साझा करी हैं। महाराज ओमकारेश्वर गए थे और अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं। कब गए थे महाराज ये? महाराज 2-3 माह हो गए। 2-3 माह हो गए। महाराज को बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ बैठ के हमारे साथ में। अच्छा लग रहा है ना महाराज? नर्मदे हर महाराज, आपका प्रेम है, आप इधर आके बैठे हमारे साथ वक्त दे रहे हैं। महाराज ऊपर बैठो ना, वहां क्यों बैठे हो? आप भी आइए महाराज इधर। बाबा जी आपके चक्कर में हम की मतलब भोजन पानी की पूरी व्यवस्था हमारे घर में आटा दे, मतलब चाय की साल भर के लिए। कोई बात नहीं महाराज, आपने घी का इंतजाम कर दिया महाराज को। घी लाया दूसरे घर से जी, नहीं महाराज हो गया, आपका प्रेम भाव इतना हो गया। जी महाराज जी जी, सोच लेना, सोच लेना वही बहुत है। जी गरीब हूँ बाकी महाराज, गरीब नहीं हूँ, आपका दिल इतना बड़ा है, आपको पता नहीं है। विचार होना जी, धनवान आदमी के विचार में यही तो। घी वाले क्या खवा सकते हैं? नहीं खवा सकते। नहीं महाराज सब हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा।